sororities. فاتحة. अरे अच्छी
पिया मुजबा, अरे अच्छे पिया मा गिरा। क्या है
ऐसा सितम आ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين صلوات بر محمد آل محمد گزارش ہے آپ حضرات سے کہ واسطے پہنچنے ثواب کے مرحوم فصاحت حسین ابن سجاد حسین سجاد حسین مرحوم ابن محمد حسن خاتون مرحومہ بنت مظہر علی مرحوم ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो इस्लाम में मिन जुमला उन चीज़ों के जिन पर काफ़ी ताकीद की गई है एक हुक्म ये भी है जिस पर आज गुफ्तगू होगी वो है वसीयत। क़ुरान जिस आयत की तिलावत मैंने की है इरशाद होता है कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदुकुमुल मौत कुतबा यानी लिख दिया गया है। माह मुबारक के रमज़ान में हो सकता है ये कुतबा सुना हो आपने, रोज़े के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुतबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम, तुम्हारे ऊपर रोज़े लिख दिए गए हैं उसी तरीके से जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े लिख दिए गए थे। तो यहाँ लिख दिए गए का मतलब क्या हुआ, यानी वाजिब है। यही लफ्ज़ कुतबा यहाँ वसीयत में इस्तेमाल हुआ है। तो अब बुज़ुर्गों का कहना यह है कि अगर इसको यहाँ वाजिब के माना में ना भी लें तो इंतहाई ताकीदी मुस्तहब ज़रूर है। हुक्म क्या है, इरशाद होता है कुतबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदुकुमुल मौत, जब तुम में किसी को मौत आने लगे तो तुम्हारे लिए लिख दिया गया है कि तुम अपने बाद वो अगर खैर छोड़ के जा रहे हो तो कोई सिनेमा हॉल छोड़ के जा रहा है, कोई शराब खाना छोड़ के जा रहा है, उसकी बात नहीं है। इन तरह का खैरन, अगर कुछ खैर छोड़ के जा रहे हो तो क्या लिख दिया गया है, अल वसीयत, वसीयत करके जाओ कि क्या होना है तुम्हारे बाद, किसके लिए, लिल वालिदैन वल अक्रबीन, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कराबतदारों के लिए। तो इसीलिए जो है वो ताकीद बहुत ज़्यादा है हमारे मज़हब में कि इंसान को अपनी वसीयत बोलिए तैयार रखनी चाहिए, इसलिए कि मौत का कोई भरोसा, ये लोग बड़े बड़े बुज़ुर्ग मजलिस में आ जाते हैं, आदमी हड़बड़ा जाता, मजलिस यो ख़राब हो जाती है। तो है लोग के यार बोला वही न चाहिए न लोग का सलावत बर मोहम्मद। तो इस पर बहुत ताकीद है कि आदमी को अपना वसीयतनामा तैयार रहना रखना चाहिए। अच्छा, हमारा मिजाज भी वसीयत के बारे में क्या है, उसकी एक मिसाल दे दूँ। देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा कोई मतलब नहीं है, हाँ मैं मिसालें गढ़ता हूँ, बयान करता हूँ सामने की, कभी कभी ये होता है किसी के ऊपर जाके चिपक जाती है। अब वो समझता है कि फलाने ने कहा होगा, ये बड़ी दिक्कत है, लेकिन मेंबर गवाह है, मेरा कोई मतलब नहीं है, खाली बात समझाने के लिए। गए दिल्ली पढ़ने, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, साथ में वो भी पढ़ाई कर रही थी, और बातों बातों में बात आगे बढ़ गई। घर वाले राजी हों या नाराजी हों, वहाँ दुठो मौलाना मिल गया, उन्होंने किस्सा ख़त्म कर दिया। अब जो है घर से कोई ना ताल्लुक़ है, ना आना जाना है, ना अम्मा को कोई फ़ोन, ना अब्बा से कोई मतलब, ना मुहर्रम का ख़र्चा, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, किसी को टारगेट बना के मजलिस पढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है, आए? बुरी बात है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो शायद कोई हर्ज नहीं है। तो गए हम, ये सब मिसाल है, सच्ची बात नहीं है, गए हम दिल्ली मजलिस पढ़ने, तो एक लड़का मिला, कहने लगा मौली साहब एक लड़का है हमारे ही तरफ का, और अम्मा अब्बा से कोई मतलब नहीं है, अब्बा की तबीयत भी बहुत ख़राब है, अब मरे कि तब मरे, तो थोड़ा सा माँ बाप के ऊपर पढ़ दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कहाँ बैठा है। ये सेट हो गया, वो आया तो उसने कहा हम समझ गए। अब हमने साहब वालिदैन पर, देखिए एक जुमला कहा जाता है कि इज़ा खरजा, नीयत अगर आपकी साफ है ना तो अल्लाह असर करता देता है। इज़ा खरजा मिनल क़ल्ब दखल फिल क़ल्ब,
जब बात दिल से निकलती है तो दिल में उतरती है। हमारा मकसद उसको बेइज्जत करना नहीं था, जलील करना नहीं था, नीयत साफ थी कि लड़का है शायद सही हो जाए। अल्लाह ने साफ जबान में असर दिया, देखा हमने कि दुई कतरा यहाँ टपका, हमने कहा शुक्र है पालने वाले, लग गया तीर। और साहब मजलिस ख़त्म हुई, घर पहुँचा, मालूम हुआ कैफियत में टिकट भी एक मिल गया, बैठ गया रात को, तब तक मालूम हुआ कि अब्बा तो मर गए। खैर घर पहुँचे तो, अब जब घर पहुँचे तो दफन हो चुके थे या दफन हो रहे थे, किसी को पता था नहीं कि आप आ रहे हैं, कि आपका इंतज़ार किया जाए। अच्छा अब चूंकि वहीं कब्रिस्तान में ऐलान हो चुका परसों सय्यूम है, फलाने साहब पढ़ेंगे, वो भी हो गया, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। अब उसके बाद बैठी ज्यूरी के चालसी कैसे होगी, महल्ले वालों ने शरीफ लोगों ने समझाया दूसरे भाइयों को कि चलो भाई जो किया किया, बड़ा है तुम लोग मिल के रहो। ये अभी रिवायत आएगी, सबसे बढ़िया काम है दुई लोगों को मिलाना और सबसे जलील काम है इनकी उनसे, उनसे उनकी लगा करके काम खराब करना। अभी सुनाऊंगा मैं आज आपको, सलावत पर मोहम्मद वा। तो महल्ले के जो शरीफ लोग थे उन्होंने समझाया कि ठीक है तुमने खिदमत की, सब कुछ है, बड़ा भाई है और पांचवें इमाम कहते भी हैं कि अलाखुल अकबर बिमंजिलतिल अब, बड़ा भाई बाप के बराबर है। तो वो सब भी शरीफ थे, कहें ठीक है भैया जो कहें। अब ये हुआ सय्यम उय्यम के बाद चालसी होना है, कौन पढ़ेगा। तब तक महल्ले ही के एक चचा बैठे थे, कह रहे भैया अगर हमारी मानो तो हम बताएं। कजी कहिए, कह रहे अभी 10 दिन पहले फला जगह मजलिस थी, वहाँ गए थे, पलट रहे थे, मजलिस पढ़ी थी वसी हसन ने, पलट रहे थे तो तोरे अब्बा मरहूम ने कहा कि यार बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, हमारे मरे पे यही पढ़वा लिया हो, अब तुम लोग मानो ना मानो, हमसे कहा था उन्होंने, ये लड़का जिसने जिंदगी भर नालायकी की, जिंदगी भर अम्मा अब्बा को कुछ नहीं समझा, लेकिन अब जब समझ में आया मरने के बाद कि अब्बा ने वसीयत की थी, तो अब दुनिया एक तरफ, वही नालायक लड़का कहता अब्बा ने जिसको कहा वही पढ़ेंगे। पूरा सुना रहा हूं मैं आपको। फोन किया वसी साहब के पास फलाने दिन, मैंने कहा भैया वो तो इतवार है नहीं खाली है, काट दिया। 10 मिनट बाद फिर फोन, अच्छा फलानी तारीख, हमने कहा भैया जुमेरात है वो भी नहीं खाली है, अच्छा ठीक है। 10 मिनट बाद फिर फोन आया, तो मौली साहब ऐसा है कि अब्बा की वसीयत थी आपके पास जो उन दिन हो, तो हमने देखा देखा 2 तारीख बता दिया, इसमें से कोई कर लो, बात हो गई। अब जैसे ही उसने जो है कहा मौलाना ने ये 2 तारीख दी है, आप लोग भी सबके घर में है, एकाध ऐसी औरतें होती हैं हर घर में जिनका इल्म सिस्तानी साहब से ज्यादा है, मानो चाहे ना मानो, सलावत है या नहीं है। सिस्तानी साहब को नहीं पता है लेकिन इनको फूक पता है, बड़की अम्मा को पता है। तो अब वो साहब एक जो घर की नेता थी, ना इन दोनों में से तो कोई तारीख नहीं हो सकती, क्यों, कहे एक में शनिचर पढ़ रहा है एक में बुध पढ़ रहा है। अब लड़के का जवाब क्या है, चाहे शनिचर पढ़े चाहे बुध, पढ़ेंगे वसी साहब। तो उन्होंने कहा क्या खिला दिया है तुमको वसी साहब ने, वसीयत का वसी साहब से नहीं मतलब है, अब्बा की वसीयत है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, नालायक औलाद भी कुछ हो जाए अब्बा की वसीयत के खिलाफ नहीं जाता है ना, समझ में आई नहीं है, नालायक औलाद भी है अम्मा की वसीयत के खिलाफ बोलिए नहीं जाता। तो जब माँ बाप की वसीयत का इतना एहतराम है तो आप बताइए हमारे अब्बा की हैसियत ज्यादा है या मौला अली की, क्या मतलब। हमने कहा जब अब्बा की वसीयत का इतना ख्याल है तो अगर मौला की वसीयत कहीं हो, क्या मौला ने वसीयत की, मैंने कहा हाँ वसीयत की है, कहा तू लोग बताओ ना अमल करें तो कहो। अच्छा एक बात और बता दे, डंडा तो खाएंगे हम लोग, फिरोज भाई जैसे हम लोग जैसे ये लोग डंडा खाएंगे, आपके ऊपर अहले बैत को बड़ा एतबार है। मैं हदीस सुनाता हूँ, इमाम फरमाते छठे इमाम सलामुल्लाह अलैह से रवायत है
हजरत फरमाते हैं लाओ यालमिन्नास महासेना कलामेना लत्तबाउना, अगर लोगों को हमारे कलाम की खूबियों का पता होता तो यकीनन ये लोग अमल करते। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इमाम को आप पर भरोसा है, कल को अगर वहाँ शुरू हुआ इस पर अमल का है नहीं किया, कहा साहब हमको पता ही नहीं था, मजलिस नहीं हुई, कहा वसी हसन को बुलाया था उन्होंने भी नहीं पढ़ा, तो आप बच जाएंगे, डंडा कौन खाएगा, है ना। तो अब ज़रूरत है इस बात की कि अक़वाल मासूमीन बयान किए जाएं, और इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी जेब से कम पढ़ो, इमाम के अक़वाल बयान करो, दिल में ये दुआ रखो अल्लाह इनको भी अमल की तौफीक दे, हमको भी अमल की तौफीक दे। सलावात बर मोहम्मद। अब इस 15 मिनट के मुकदमे से आप ये समझ गए होंगे शायद कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, समझ में आया कि बताऊं। तो जैसे माँ बाप की वसीयत, वैसे ही मौला ने भी वसीयत की है अमीरुल मोमिनीन ने, लेकिन मौला की वसीयतें मुख्तलिफ हैं। कभी ये है कि असबाग इब्ने नुबाता पहुंच गए, होश में आए, कुछ उनसे बयान कर दिया, कभी इमाम हसन से कुछ कह दिया, कभी इमाम हुसैन से कुछ कह दिया, मुख्तलिफ वसीयतें मौला की हैं 19 रमज़ान से लेकर के शहादत तक। एक वसीयत और किताबों में है, उसूल काफ़ी में भी है, जिसमें इमाम ने ज़बानी नहीं लिखित वसीयत की है, और उस तहरीरी वसीयत में खाली अपने घर वाले नहीं आपको भी कहा है। सलावात ये सुनाता हूँ, आपको भी कहा है। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये रिवायत कहाँ मिलेगी आपको, उसूले काफ़ी में। रावी का नाम क्या है, अब्दुर्रहमान इब्ने हज्जाज। इनको कहाँ से मिली, तो ये कहते हैं कि मेरे पास भेजा इमाम काजिम अलैहिस्सलाम ने मौला की लिखी हुई वसीयत। तो समझ आया कहाँ से आई है, الكافي عن عبد الرحمن ابن الحجاج بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين وهي تو میرے پاس امام قاسم علیہ السلام نے مولا کی تحریری وصیت بھیجی اور وہ وصیت کیا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کام شروع ہوگا کہاں سے شروع ہوگا بسم اللہ سے शरह तहजीब में अयूब साहब के यहाँ यही से शुरू होता था कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुआ अबतर, कोई भी काम अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह करोगे वो पूरा नहीं होगा। बल्कि एक आदमी आया छठे इमाम के पास, कहने लगा मौला पेट बहुत ख़राब रहता है, सुनिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये सब, मौला पेट बहुत ख़राब रहता है, गैस ये वो। तो इमाम ने कहा कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं करते क्या, तो कहने लगा नहीं मौला बिस्मिल्लाह करता हूँ। अब जानते हैं क्या बताया मौला ने, इमाम ने फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि दस्तरखान पे तुम एक चीज़ नहीं खाते हो। हाँ जी ये है तो है, मछली भी होती है कबाब भी होता है। कहते तो बिस्मिल्लाह कई बार करते हो, जब पहली बार वो चीज़ शुरू करो तब बिस्मिल्लाह कहो, तब ना फ़ायदा होगा। सलावात बर मोहम्मद। तो बहरहाल मौला का कलाम तो बगैर बिस्मिल्लाह के हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा मा औसा बिही अली इब्न अबी तालिब, ये वो वसीयत है जिसको अली ने किया है। वसीयत क्या है, औसा अन्नहु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, कोई खुदा नहीं सिवाय उसके और कोई उसका शरीक नहीं है। وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ جن کو اللہ نے جو ہے وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا صلی اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہماری نماز، ہمارے سارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت، سب اس کے لئے ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
वह एन ए मिनल मुस्लिमीन, और इसी का हुक्म भी दिया गया और मैं भी मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। गोया हल्का सा इशारा कर दिया, सब कहना हमको अल्लाह मत कहना, एन ए मिनल मुस्लिमीन। सुम, अब यहाँ से सुनिए, सुम मैंने कहा ना कि यह वसीयत खाली अपने बच्चों से नहीं, क्या नाम है आपका, नसीर साहब से भी की है, वसी साहब से भी की है, फिरोज साहब से भी की है, एक एक आदमी से मौला ने वसीयत की है। लिहाजा कान खोल के सब लोग सुने, कल को हम कयामत में कह देंगे मौला मुबारकपुर वालों को हमने आपकी वसीयत बता दी थी। फम इन्नी उसी का या हसन, ए बेटा हसन मैं तुमको वसीयत करता हूँ, वह जमीआ अहले बई थी और तमाम अपने घर वालों को वसीयत करता हूँ, वह वुल दी और अपने सारे बच्चों को वसीयत करता हूँ, वमन बलगहु किताबी और हर उस आदमी को वसीयत करता हूँ जिस तक मेरी ये तहरीर पहुँचे। मौला गवाह रहिएगा आपकी तहरीर में इनको पहुँचा रहा हूँ। सलावात पर मोहम्मद। नंबर एक, काहे की वसीयत। अच्छा देखिए, हम लोगों का हाल ये है के तड़तड़ तड़तड़ शुरू होते हैं और बीच में जाते हैं भूल, जो बात पहले कहना चाहिए वो बाद में, जो बाद में कहना चाहिए वो पहले। कभी कभी होता है सठियाओं पहुंचने का, अरे यार ये तो भूल गए, ये होता है हम लोगों के साथ। लेकिन मौला के यहाँ बेतरतीबी नहीं है, जो चीज़ जितनी अहम है वो उतने पहले बयान होगी। सलावात पर, अब सुनिए उस एतबार से। तो मैं वसीयत करता हूं तुम लोगों को, काहे कि बेतकवल्लाह रब्बकुम, अल्लाह का तकवा जो तुम्हारा पालने वाला है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार मरना तो इस्लाम पर मरना। ये कौन सी वसीयत हुई, समझ में आया? हम तो मुसलमान है ही हैं मौला, शिया हैं आपके, का गारंटी नहीं है कि आज पगड़ी बांध के मिंबर पे जो बैठे हो तो मरते वक्त भी मुसलमान ही रहो। सलावात मैं सुनाता हूँ आपको जल्दी से। शहीद दस्ते गैब ने इसको अपनी किसी किताब में लिखा है और नकल किया है मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा गुलपायगानी रिज़वानुल्लाह अलैह से। आए गुलपायगानी कहते हैं, कुम का किस्सा है, हमारी आपकी क्या औकात है इन बुजुर्गों के मुकाबले में। आए गुलपायगानी कहते हैं, मेरा एक मुबाहिस साथी क्लास फेलो, हालत ख़राब, तबीयत आखिरी मंजिल, इत्तला मिली तो बचपने का दोस्त है, अयादत को चले गए, बैठे बातें हुई, क्या हाल है यो? तो मेरे बीमार दोस्त ने पूछा, अच्छा गुलपायगानी ये बताओ पढ़ने में तुम तेज थे कि मैं? तवज्जो है ना। तो आगे गुलपायगानी ने कहा, भैया सही बात तो ये है कि पढ़ने में तुम ज़्यादा तेज थे। कहले तुमको खुद है ना कि मैं ज़्यादा तेज था और उसके बाद मर्जा तुम हो गए, पढ़ने में तेज मैं और मर्जा हो गए तुम। कौन सी अदालत है यार अल्लाह की? जैसे ही कहा ये कौन सी अदालत है अल्लाह की, हिचकी ली रूह निकल गई। आगा गुलपायगानी कहते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा अपने साथी को कि अदले इलाही का इनकार करके मर गया। कहने लगे फिर मैं बाहर आया और कुम से बाहर चला गया, किसी को नहीं पता है, मुझको पता है कि ये काफिर मरा है, कैसे पढ़ाऊंगा नमाज इसकी, मैं कुम छोड़ के चला गया। जिनको नहीं पता उन्होंने पढ़ाई होगी, तो इसका मतलब ये गारंटी बोलिए नहीं है कि मरते वक्त इस्लाम हो। इसलिए मौला ने वसीयत की है, वला तमूतुन इल्ला बोलिए वअंतुम मुस्लिमून। कल्ले के साहब तब कैसे होगा, उसके तरीके बताए गए हैं, सलवात पढ़िए तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ खींच रहा है तो आगे रपटा देंगे तो हो जाएगा पूरा। सलावात पर मोहम्मद। एक और बहुत अहम चीज़ है जिस पर इस्लाम की बड़ी ताकीद है, छूट नहीं है उसमें। रिवायत कहती है तीन चीज़ें हैं, लैसा फीहिन्न रुख्सा,
जिसमें कोई छूट नहीं है। नंबर एक, माँ बाप के साथ नेकी, बर्रई ने कहा ना उफाजरन, चाहे ये लोग ठीक हो, अच्छे हो चाहे बुरे, आपको छूट नहीं है अम्मा अब्बा के साथ नेकी करते रहना। दो, वफाउल अहद, किसी से कोई वादा किया है तो वादा पूरा करो, चाहे सामने वाला अच्छा हो या बुरा। तीन, अदाउल अमानत, अमानत की वापसी, चाहे अमानत वाला अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो अमानत में कोई छूट नहीं है। अमानत में खयानत खुदा को बर्दाश्त, और अगर कोई चीज़ अल्लाह के पास अमानत रखवा दी जाए तो अल्लाह मियाँ गड़बड़ कर सकते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने हमारे मफाती के शुरू में है दुआए अदीला, क्या उसमें पूरा अकीदा है, अल्लाह एक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, पूरा अकीदा है। उसके बाद आखिर में यह पालने वाले, ये मेरा अकीदा है, मैं इसको तेरे पास अमानत रखवा रहा हूँ, जब टाइम आएगा आखिरी तो हमारी अमानत पलटा देना। अल्लाह से बड़ा अमानतदार कौन है? तो एक तरीका यह है, वला तमूतुन इल, इसीलिए बुज़ुर्गों का कहना है कि महीने में, साल में, ज़िंदगी में सही एक बार ज़रूर इस दुआ को पढ़ लो, सलावात बर मोहम्मद। तो पहली वसीयत मौला की, क्या तकवा, और खबरदार गड़बड़ मत करना, मरो आलम इस्लाम पर। एक दूसरे नंबर पर क्या कहा मौला ने, अच्छा ये पहले नंबर पर इसलिए भी है कि कुरान भी कहता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है, तकवा नहीं है तो कुछ कबूल नहीं होगा। तो ये पहले नंबर पर। अब आप सोच सकते हैं दूसरे नंबर पे मौला ने क्या वसीयत की है, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो सलवात पढ़ो तो हम शुरू कर दें। उसके बाद फरमाते हैं वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, नंबर दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका न डालो। फइन्नी समितु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिह, इसलिए कि मैंने पैगंबर को कहते हुए सुना है सलाहुदातल बेल अफ़दलु मिन आम्मति सलात वस्सियाम, मैंने नबी को कहते सुना है कि दो लोगों के दरमियान सुलह करा देना आम नमाज रोज़ा से अफजल है। ये मौला की वसीयत है, मौला कह रहे हैं सुलो करवाओ, हम जा रहे हैं, अरे यार मौली साहब तू हैं फिरोज साहब ऐसे कहते रहे हैं, इससे बड़ा लानती आदमी कायनात में नहीं हो सकता जो दो लोगों को लड़ा देता है, सलावात बर मोहम्मद। और अन्नल मुबीरत अलहालिकत लिद्दीन फसाद ज़ातिल बैन, और सबसे ज्यादा जो दीन को बर्बाद करने वाली चीज है दो लोगों के दरमियान, बोलिए, फसाद बर्पा करने वाले, ये दो हो गया। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम, और ये काम बहुत आसान नहीं है, सुलह करवाना और झगड़े से बचना, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह है जिसकी मदद कर दे वही कर पाएगा, लिहाजा दुआ करते रहो कि अल्लाह तौफीक दे। खूब, उसके बाद उन्ज़ुरु, नंबर तीन, अब देखिए कितना अहम, उन्ज़ुरु ज़वी अरहामकुम, देखो रिश्तेदारों को, फसलूहुम, इनके साथ अच्छा सलूक करते रहो, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह को युहव्विनुल्लाहु अलैकुमुल हिसाब, रिश्तेदारों का ख्याल करोगे अल्लाह हिसाब में आसानी कर देगा। कैसे होती है आसानी और सख्ती मालूम है, सलवात पढ़िए समझाता हूँ मैं, आसानी कैसे होती है। हम लोग तो मदरसे में थे, कापी वापी भी जांचते थे, तो बोर्ड वाली तो नहीं मतलब, लेकिन जो स्कूलवा वाली कापियाँ होती है तो उसको तो सब पता नहीं ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। अच्छा, जो लोग जो है वो नंबर ठीक ठाक दे देते हैं, लड़के उन्हीं से तपते भी ज़्यादा हैं, ये भी इंसाफ की बात है। अब एक दिन मान लो भुनभुना रहे, अरे यार बताओ इतना कुल लिख के आए कापी भर के, पता नहीं कौन कंजूसी है, 50 नंबर दिया इन्होंने, सुन लिया हमने कहा ये, सबको बुला लिया,
खादिम से कहा भैया इनकी क्लास की कापी लियो, पर्चा लियो, पढ़िए पहले आदमी को। हम कही बताओ यहाँ क्या होना, मोल साहब ये है। हमने कहा तभी क्या लिखा है, अब वो झटके में लिख गया पता है। हमने कहा हमको भी पता है, हमने पढ़ाया है, इसलिए हमको पता है कि कौन लड़का कैसा है। हमने बहुत तवज्जो नहीं की, अरे झटके में रहा होगा, दे दिया नंबर। लेकिन जब आप जंचवा रहे हो तो नहीं लिखा है तो नंबर बात कटेगा ना। अब चुप मालूम हुआ साहब, कट गया। तो जो 50 नंबर पर एतराज़ किए थे पहुँच के कहाँ चले गए, 40 पर। कुछ समझ में आया, आसानी से हिसाब कैसा होता है और टाइट हिसाब कैसा होता है। अल्लाह के यहाँ भी दोनों हिसाब है, आसान वाला भी और टाइट वाला भी। तो मौली साहब बताओ आसान कैसे होगा, का रिश्तेदारों से मिल के रहो, मौला कहते हिसाब आसान हो जाएगा। सलावात दर मोहम्मद चौथे नंबर पर अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, खबरदार डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। शायद मतलब ये हो, किससे, यतीमों से, खबरदार खबरदार यतीमों से। अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम फला तुगिब्बू अफवाहहुम, खबरदार कोई यतीम भूखा न रहने पाए। ये तो हो गया, खाना खिलाओ, इस पर दो चार मिनट रुकूंगा, बहुत अहम चीज़ है ये। वला यदीउ बेहज़रतिकुम, और ख़बरदार तुम्हारे होते हुए कोई यतीम ज़ाया ना हो। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कोई ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही इमाम का मतलब था, समझ में ये आया। आप भी गौर कीजिए, हो सकता कोई और बढ़िया बात आपके दिमाग में आ जाए, बता दीजिएगा हमको, हम कल कहीं आगे पढ़ेंगे तो आपका नाम लेके पढ़ देंगे कि एक आदमी के दिमाग में ये आया। मिल के जब काम होता है ना तो ज्यादा निकल के आता है हदीसों से रिवायतों से। सलावात बर मोहम्मद वा। क्या मतलब हुआ, इमाम ने फरमाया डरो अल्लाह को यतीमों के बारे में, खबरदार तुम्हारे होते हुए कोई यतीम भूखा ना हो। वला यदीउ बिहज़रतिकुम, तुम्हारे होते हुए कोई यतीम, बोलिए, जाया ना हो। जो मैं समझाऊं, हम दो भाई हैं, एक वसी हसन साहब, एक और मौलाना है रजा अब्बास साहब वहाँ हैदराबाद में, हैं पांच भाई, दो की मिसाल देते हैं। वसी हसन साहब मर गए, 5 साल का इनका लड़का था और 5 साल का मौली साहब का भी लड़का था, छोटे भाई का भी। तो बेचारे ने बड़ी मोहब्बत की, लड़का हमारा उठा ले गए, जैसे हमारा पढ़ेगा वैसे भाईजान का लड़का भी पढ़ेगा। 10 पास हो गया। अच्छा, जब अल्लाह किसी से एक लेता है ना कोई चीज़ तो बदला देता है। बाप को ले लिया, दिमाग दे दिया लड़के को। तो हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, मालूम हुआ मरहूम के लड़के का 95% है और मौली साहब के लड़के का 70-80 है। तो एक तो वो खला, और फिर कहने लगे कि बेटा यहाँ आओ। कहने लगे देखो माशाल्लाह, अब कोई तुमको जाहिल नहीं कहेगा, हाई स्कूल तक तो पढ़ ही लिया है। अब देखो अकेले हम भी हैं, कितनी तनख्वाहें हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल एक काम करते हैं बेटा, तुम्हारे सामने भी दो दो तीन तीन बहनें हैं, उनकी शादी है, ये है वो है, तो हम सोचते हैं कि तुम कुछ करो। और बच्चा बेचारा, जी, तो हम एक काम करते हैं बेटा, तुमको हम एक ऑटो दिला देते हैं, 2-2.5 लाख रुपये का ऑटो दिला दिया। अब वसी साहब का लड़का ऑटो चलाने लगा, अपना लड़का 1 करोड़ रुपया लगा करके MBBS कराया, पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, उधर नहीं जाएंगे। अब दुनिया तारीफ करेगी ऐसे चचा की, माशाल्लाह भाई हाई स्कूल तक पढ़ाया और उसके बाद 2.5-3 लाख रुपया लगा के कारोबार करा दिया। दुनिया तारीफ करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मौला क्या कह रहे हैं, तुमको पता था कि पढ़ने में तेज है, डॉक्टर ना बनाते, इंजीनियर ना बनाते, खाली इंटर कर लेता, BA कर लेता, MA कर लेता, शायद तैयारी करता, IAS हो जाता, PCS हो जाता, कौम को एक जो है वो DM मिल जाता, कौम को एक SP मिल जाता, तुमने उसको रक्षेवान बना दिया, तो ज़ाया किया कि नहीं किया। शायद ये बात है मौला फरमाना चाहते हैं, खबरदार तुम्हारे होते हुए कोई यतीम ज़ाया ना होने पाए। सलावात बर मोहम्मद, और फरमा रहे हैं। और
यहां दो चार चीजें और सुन लीजिए आप। मुबारकपुर है नाम ना इस गांव का, तो बता पाइएगा कि पूरे मुबारकपुर में सबसे खराब घर कौन सा है? क्या मौली साहब मजमे में पूछ रहे हो, पिटवाओगे क्या? तो हमने कहा अच्छा ही बता दो सबसे अच्छा घर कौन सा है। कल ये भी ना बता पाएंगे ना, अच्छा उनको सबसे बढ़िया कह रहे हैं। हमने कहा आप लोग मत बोलिए, रसूलुल्लाह बता रहे हैं मुबारकपुर में सबसे बढ़िया घर कौन है, रसूलुल्लाह ने बताया। मैंने कहा रसूलुल्लाह मुबारकपुर? हमने कहा नहीं मुबारकपुर नहीं कहा है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तो पूरी दुनिया की बात करते हैं। सुनिए रिवायत, पैगंबर फरमाते हैं खैरु बुयूतकुम बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैह, तुम्हारे घरों में सबसे बढ़िया घर वो है जिसमें कोई यतीम हो उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। वशर्रु बुयूतकुम बैतुन, और तुम्हारे घरों में सबसे खराब घर वो है जिसमें कोई यतीम हो युसाउ इलैह, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा। मजलिस में आते हैं आप लोग, हम भी तो देखते हैं, इधर मसाइब शुरू किया, कुछ लोग हैं जारो कतार माशाल्लाह है या नहीं है, कुछ लोग आवाज के साथ कुछ लोग बगैर आवाज के रोते हैं, और कुछ लोग देखा है नहीं देखा है, हमें 10 मुहर्रम को पढ़ दो पूरी शहादत ऐसे देखते हैं, देखा है नहीं देखा, ऐसा क्यों होता है? ये आदमी मसाइब सुनते ही भों भों क्यों शुरू हो गया, इनको पूरा मसाइब पढ़ दिया गया आवाज क्यों नहीं निकली? इसी को तो कहा था ना मिर्जा दबीर ने, किसका है सर झुका के बैठ कर मजलिस में रो सकता नहीं, ऐसे लोग हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए गिरिया उस वक्त होगा जब आदमी का दिल नर्म हो, गिरिया न होने का मतलब यह है कि इसका दिल सख्त हो गया। तो कोई इलाज है कि क्या करें कि दिल नर्म हो जाए? रिवायत कहती है मन शका कसावत कल्बे, जिसको दिल सख्त होने की जो शिकायत हो उसको चाहिए कि अपने दस्तरखान पर यतीम को बिठलाए, अल्लाह दिल नर्म कर देगा उसका। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो रिवायत, यतीम के सर पे हाथ, रिवायत कहती है जितना सर के नीचे हाथ के नीचे बाल आएगा उतनी नेकी अल्लाह लिखेगा। यतीम के सर पर अगर कोई प्यार से हाथ फेर देता है, दूसरी रिवायत कहती है जितना हाथ के नीचे बाल आएगा उतना अल्लाह कयामत में नूर अता करेगा। इज़ा बकल यतीम इहतज़्ज़ल अर्श, जब यतीम रोता है आसमान हिल जाता है। अल्लाह फरमाता है कौन है जिसने इस मेरे बंदे को रुलाया है जिसके बाप को मैंने वापस बुला लिया है, कसम है मेरी इज्जत की और जलाल की, जो कोई इस बच्चे को चुप करा दे मैं उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दूंगा। यह यतीम उल्टा भी है, वो भी एक मिनट में सुन लीजिए। पैगंबर फरमाते हैं मैं गया मेराज पर, वहां देखा जहन्नम में अजाब मुख्तलिफ किस्म का, कुछ लोगों का अजाब क्या था, उनके मुंह में आग डाली जा रही थी। वयखरुजु मिन अदबारिहिम, इधर से आग जा रही पीछे से निकल रही है। रसूलुल्लाह ने कहा जिब्रील इनका गुनाह क्या है इतनी सख्त सजा? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये लोग वो हैं जिन्होंने यतीमों का माल हड़पा है। सलावात बर मोहम्मद। लो नहीं नहीं अब नहीं रुकेंगे, इसलिए टाइम कम बचा है, 9:15 बजे बैठे थे ना, हाँ तो 10 बजने ही वाला है, जल्दी से। खूब फरमाते हैं कि तुम्हारे होते हुए कोई यतीम जाया ना होने पाए, फिर फरमाते हैं फकत समियतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही यकूल, मैंने पैगंबर को कहते हुए सुना मन आल यतीमन हत्ता यस्तगनी औजबल्लाहु अज़्ज़ा व जल लहू बिज़ालिकल जन्ना, जो एक यतीम को पाल दे इस तरह कि वह दूसरों के आगे हाथ फैलाने से महफूज हो जाए अल्लाह उस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब कर देगा। कमा औजब लिआकल माल यतीम अन्नार, उसी तरीके से जैसे यतीमों का माल खाने वाले पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब की है। फिर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, खबरदार खबरदार होशियार कुरान से,
कैसे आपका लड़का जाता है ना स्कूल, हैं 10 लड़के हैं तो अपने लड़के कैसे समझाते हैं आप? ए बाबू देखो तुमसे आगे कोई ना जाने पाए, बोलते नहीं बोलते? ये क्यों बोलता है बाप अपने बच्चे को तुमसे आगे कोई ना जाने पाए? मोहब्बत ही की बुनियाद पर तो ना बाप है। यही जुमला मौला ने कहा है हमसे आपसे कुरान के बारे में, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, फला यस्बिकुकुम इलल अमल बिही अहदुन गैरुकुम। खबरदार कुरान पर अमल के मामले में तुमसे आगे कोई ना जाने पाए। ये आपसे मोहब्बत है मौला की। अल्लाह अल्लाह फी जीरानकुम, खबरदार होशियार पड़ोसी से। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इतना ज्यादा पड़ोसियों के बारे में वसीयत की, हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवर्रिसुहुम, कि हम लोगों को लगा कि लगता है कि जायदाद में रसूलुल्लाह हिस्सा दिला देंगे इनको। खूब अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, खबरदार होशियार डरो अल्लाह से अल्लाह के घर के बारे में। फला यखलू मिनकुम मा बकीतुम, जब तक तुम लोग हो तब तक अल्लाह का घर खाली ना होने पाए। बस जुमला सुनिए, फरमाते हैं अगर अल्लाह का घर जाना छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद फरमाते हैं कि वह अदना मा यरजउ बिही मन अम्महु अन युग़फ़र लहू मा सलफ़। सबसे हल्का सवाब खाने काबा की ज़ियारत का ये है कि जब पलटोगे पिछला सारा गुनाह माफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर पैसा नहीं है हज भर का तो उसके इंतज़ार में मत बैठिए, उम्रे भर का है चले जाइए। मौला की वसीयत है कि खाने काबा तुम्हारे होते हुए खाली ना होने पाए। हो अब फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिस्सलात, खबरदार होशियार नमाज से। फ़इन्नहा खैरुल अमल, नमाज से बेहतर कोई अमल नहीं है। इन्नहा अमूदु दीनकुम, नमाज तुम्हारे दीन का सुतून है। अल्लाह अल्लाह फिज़्ज़कात, ज़कात से होशियार। फ़इन्नहा तुतफ़िउ ग़ज़ब रब्बिकुम, ज़कात तुम्हारे अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा करती है। अल्लाह अल्लाह फ़ी शहर रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान। फ़इन्ना सियामहु जुन्नतुन मिनन्नार, से रोज़े माह मुबारक रमज़ान के जहन्नम के मुकाबले में सिपर हैं। फिर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, खबरदार खबरदार फ़कीरों से होशियार रहना, मिसकीनों से होशियार रहना। फ़शारिकूहुम फ़ी मआयशकुम, इनको अपने खाने में अपने माश में शामिल करो। इतना सवाब, एक सलवात पढ़िए, इसको सुन लिए एक छोटा सा। बहुत खाली लंबी हदीस होती है ना, आदमी बोर होने लगता बीच में। फ़कीरों को मिसकीनों को अपने साथ शामिल करो। जनाब ईसा जा रहे थे, एक जगह पतीला वतीला चढ़ा हुआ था, मालूम हुआ शादी है, वलीमा है ना। आज भी कुछ लोग हैं सात सात जगह वलीमा खा के आए, कहाँ गए सात जगह खाने वाले? नहीं है, चले गए कहीं। सलावात, तोरे अब्बा सात जगह खा के आए हैं सलावात बरमाना, ये क्या है? समझ गया, तो वो वलीमा था। जनाब ईसा ने कहा कि आज खुशी है, कल मातम होगा। हवारियों ने पूछा, साहबियों ने मतलब कहा, आज रात को दुल्हन मर जाएगी। बात हो गई, हजरत ईसा सलामुल्लाह अलैह चले गए। दुनिया कई दिन की है, हाँ कई दिन बचा है बस। ये सन बीड़ी सिगरेट से तो ऐसे खोखले हो चुके हो, साल दो साल चार क्या लेके जाओगे? समझ गया। एक दिन हमारे यहाँ लड़कों ने कहा ईद के दूसरे दिन कब्रस्तान में मजलिस करें, बोल साहब, हमने कहा चलो फुर्सत से आए। तो उस दिन कब्रस्तान के ऊपर पड़ रहे थे, तो सब गांव ही के लोग थे, सबको पता है किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना खेत है। तो हमने कहा चाहिए बताओ तुम लोग, सब लोग, तुम लोगों को पता है मेरे अब्बा के पास कितनी ज़मीन थी? कह हाँ। हमने कहा अब हमारे पास कितनी है? पांच भाई हैं तो कितना हुआ? एक बटे पाँच ही तो होगी ना। तो हमसे पांच गुना ज़्यादा ज़मीन हमारे बाप के पास थी कि नहीं थी? कहाँ थी? हमने कई हिस्सा लेके वो गए हैं कि हम लोग कितना लेके जाएंगे। अक्लमंद वो है, समझदार वो है जो अपनी आखिरत पर तवज्जो रखे। सब खत्म हो जाएगा, सलावात बर मोहम्मद।
यह है समझदारी। क्यों? कहा दुल्हन मर जाएगी आज रात को, चले गए। दूसरे दिन फिर उधरी से जनाब ईसा गुजरे, वैसे पतीला चढ़ा है। तो साहबियों ने कहा कि साहब आप तो कह रहे थे कि आज मातम होगा, दुल्हन मर जाएगी, यहाँ तो वैसे ही चल रहा है। हजरत ईसा ने कहा हाँ बात तो चलो पता करते हैं। आए, सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, दुल्हन ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अरे जनाब ईसा ने कहा तो भाई हम मिलना चाहते हैं दुल्हन से, हटो बचो पर्दा हुआ, जैसे भी उस जमाने जो भी रहा अल्लाह आलम पहुँचे। तुमने रात क्या किया बेटा? देखिए हुजरा कहते हैं कमरे को और हिजला कहते हैं दुल्हन के कमरे को, है ना। मैं अपने हिजले में बैठी थी, खाना आ गया था, शौहर का इंतज़ार कर रही थी कि पहला दिन है आ जाए तो साथ है खाया जाए। इतने में किसी फकीर की आवाज़ आई अल्लाह के नाम पर, तो मैंने सोचा कि आज तो मेरा राज है, जितना चाहूँगी खाना मिल जाएगा। इस भीड़ में इस बेचारे फकीर को कौन देखने वाला है? इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा था, धीरे से सेनिया उठाया, अभी सेनियों नहीं मेरा लफ्ज़ है, और निकल गए, ले अब बाबा खाए लो। अब वो फकीर आदमी इतना बढ़िया खाना शायद है जिंदगी में कभी खाया हो। उसने खाया, पेट भर गया, तो उसके मुंह से निकला जाओ बेटा जैसे तुमने हमारा पेट भरा अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे। जनाबे ईसा ने कहा लिहाफ उठाओ, लिहाफ झटका गया, सांप गिरा। हजरत ईसा ने कहा यह सांप मामूर था इसको डसने पर, लेकिन चूंकि इसने एक फकीर का पेट भर दिया, खुश होकर अल्लाह ने इसकी उम्र बढ़ा दी। वसीयत है तुम्हारे इमाम की मेरे भाइयों, फरमाते अल्लाह अल्लाह फिल फुकरा वल मसाकीन, होशियार रहो फकीरों से, मिस्कीनों से, उनको शामिल करो अपने दस्तरखान में, उनको शामिल करो अपने खाने में। अल्लाह अल्लाह फिल जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद, जबान से, नफ्स से, माल से। उसके बाद फरमाते अल्लाह अल्लाह फी जुर्रियत नबीकुम, खबरदार होशियार रहना औलाद पैगंबर से, जुर्रियत पैगंबर से। फला युज़लमुन्ना बिहज़रतकुम व बैन ज़हरानीकुम व अंतुम तक़दिरून अला दफ़ई अन्हुम, खबरदार तुम्हारे होते हुए तुम उनका दिफा कर सकते हो तो तुम्हारे होते हुए औलाद रसूल पर जुल्म न होने पाए। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाब नबीकुम, और खबरदार पैगंबर के अस्हाब, उनका ख्याल रखना। अलबत्ता सारे नहीं, अल्लज़ीना लम युहदिसू हदसा, वो सहाबा जिन्होंने नबी के बाद कोई बिदअत न की हो, बदमाशी न की हो। फ़इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह औसा बिहिम, खाली मैं नहीं, रसूलुल्लाह अपने सहाबा किराम के बारे में वसीयत करके गए हैं, लेकिन ये भी कहा है वलअनल मुहदिसु मिनहुम व मिन गैरिहिम, लेकिन पैगंबर ने बिदअत करने वालों पर लानत भी भेजी है, चाहे वो सहाबी हो चाहे गैर सहाबी हो। अल्लाह अल्लाह फिन्निसा व फीमा मलकत ऐमानुकुम, खबरदार होशियार औरतों से, और वो लोग जो तुम्हारे कब्ज़े कुदरत में हों, गुलाम हैं, कनीज़ हैं, जो भी तुम्हारे अंडर में है। सुनाऊं एक हदीस, बड़ी जो है ज्यादतियाँ होती हैं। क्या नाम है तोरा? वसीम भैया, औरत को मारना कैसा है? है हदीस ये है, जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? बोलो, रिदवान, है ना। जहन्नम के दरोगा क्या नाम है? मालिक। रिवायत कहती है कि अगर कोई औरत के ऊपर हाथ उठाता है, डंडे की बात नहीं, एक तमाचा लगाता है, अल्लाह कहता है मालिक नीरान जहन्नम के दरोगा से कि हर तमाचे के बदले में 70 तमाचा मारो इसको। पैगंबर फरमाते हैं ला तज़रिबू निसाअकुम, खबरदार औरत पर हाथ मत उठाना वरना तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। सलावात बर मुहम्मद वा। खूब ला तखाफू फिल्लाह लौमत लाइम, खबरदार अल्लाह के मामले में किसी के मलामत को मत डरना, अल्लाह के लिए काम करो,
अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। قولوا للناس حسنا كما امركم الله, लोगों से प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, ताव से बात मत करो। كما امركم الله, हुक्म खुदा भी यही है। ولا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, और खबरदार अमर بالمعروف मत छोड़ना, लोगों को नेकियों की हिदायत करते रहना। नहीं अनिल मुनकर मत छोड़ना, लोगों को बुराइयों से मना करते रहना। अब मौला ने सज़ा बताई है, अगर किसी समाज में अमर बिल मारूफ नहीं किया जाएगा, नहीं अनिल मुनकर नहीं किया जाएगा, तो जानते मौला क्या फरमाते हैं, फयुवल्ली अल्लाहु अमरकुम शिरारकुम, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर गुंडों बदमाशों को हाकिम बना देगा। नतीजा ये होगा, थुम्मा तदउना फला युस्तजाबु लकुम अलैहिम, और फिर तुम उनके लिए बद्दुआ भी करोगे, अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ भी नहीं सुनेगा। फिर फरमाते हैं, वअलैकुम या बनी बित्तवासुल वत्तबादुल वत्तबार, ए मेरे बच्चो तुम्हारे ऊपर वाजिब है तवासुल, सिले रहम करना, तबाजुल एक दूसरे के ऊपर खर्च करना, बजलो बख्शिश करना, व तबार नेकी करना एक दूसरे के साथ, व याकुम व तकातो व तफर्रुक, और ख़बरदार कत रहम मत करना, एक दूसरे से अलग होके मत रहना। ये मौला की वसीयत है। हम झगड़ा करेंगे, बताइए कल को क़यामत में हम मौला को क्या जवाब देंगे, मौला आपने कहा था बर्दाश्त कर लेना, झगड़ा मत करना, हम इतने के लिए जो है वो झगड़ा करके आ गए, 10 साल मुकदमा लड़के आए हैं। खुदा हम सबको, शैतान बहकाता है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गलती हम लोगों की भी नहीं है, शैतान बहकाता है, पालने वाले हम सबको शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। खूब वला तआवनु व तआवनु अलल बिर व तक्वा, एक दूसरे की मदद करो तकवे की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर। हमारे यहाँ क्या होता है, ये अपने ग्रुप के आदमी हैं, सही करें या गलत अपना आदमी है, चल बे हम तुम्हारे साथ हैं, मौला की वसीयत है, खबरदार गुनाह में तुम किसी की मदद मत करना, बदमाशी में किसी की मदद मत करना। चाहे तुम्हारा कितना ख़ास हो, चाहे तुम्हारे ग्रुप का हो, चाहे तुम्हारी पार्टी का हो, फरमाते हैं तआवनु अलल बिर्र व तक्वा, मदद करो एक दूसरे की तकवे की बुनियाद पर, नेकी। वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, और ख़बरदार गुनाह की बुनियाद पर किसी की मदद मत करना। व तक़ुल्लाह, देखिए फिर ताकीद, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। याद रखो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत सख्त अजाब करने वाला है। हफ़िज़कुमुल्लाह, अब आखिर है सुनिए, हफ़िज़कुमुल्लाह मिन अहले बैतिन, जाओ अल्लाह तुम लोगों को अच्छा रखे, शायद मतलब ये अल्लाह तुम लोगों को महफूज रखे। अस्तौदिउकुमुल्लाह, जाओ हमने तुमको अल्लाह के हवाले किया। ये खाली उनसे नहीं, आपसे भी कह रहे हैं ना, वमन बलगहु किताबी, उसके बाद जुमला सुनिए आखिरी वाला क्या है, अस्तौदिउकुमुल्लाह, जाओ हमने तुम लोगों को अल्लाह के बोलिए हवाले किया। व अक्रौ अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और मैं अली तुम लोगों को सलाम भेजता, मुबारकपुर वालों इस वसीयतनामे में मौला ने तुमको सलाम भेजा। व अक्रौ अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये एक वसीयतनामा था मौला का। ख्वाहिश ये हुई इस रमज़ान से कि मौला के इस कलाम को आप तक पहुँचाया जाए। परवरदिगारा हमने बयान तो कर दिया है, लेकिन तू ही कहता है ना, लम तकूलू माला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो जिस पर खुद अमल नहीं करते। पालने वाले हम सबको अमीरुल मोमिनीन की इस वसीयत पर अमल की तौफीक अता फर, हम चाहते हैं ठीक हो जाएं, हर आदमी चाहता है ठीक होना, किसी के यहाँ बदमाशी नहीं है बुनियादी तौर पर, किसी के यहाँ शरारत नहीं है बुनियादी तौर पर, हर आदमी ठीक होना चाहता है।
लेकिन शैतान कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव मुबीन, शैतान खुला हुआ दुश्मन है, शैतान मरते दम तक हमको सुधरने नहीं देता। कसरत से पढ़ा कीजिए अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, कसरत से पढ़िए। अल्लाह से दुआ कीजिए पालने वाले बेहक अमीरुल मोमिनीन हम सबको शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। खुदा हमको ऐसी राह दिखला जो हक का रास्ता हो, जो सही रास्ता हो, जो है। देखिए एक चीज़ जानते हैं क्या है, इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ, कुरान में है कि शैतान का एक काम और जानते हैं क्या है, वो गलत काम को ऐसा सजा के समझाता है हमको ना कि हम समझते हैं बहुत बढ़िया काम है। ज़ुय्यन लहुम, समझे आप, शैतान जीनत दे देता है हमारे गलत काम को, हम उसको अच्छा समझते हैं तो फंस जाएंगे ना। परवरदिगारा हम सबको बेहक़ अमीरुल मोमिनीन शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। बस चंद जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। कभी कभी वाकई गैरत आती है, खुदा की कसम मिंबर पे हूँ, कभी कभी शर्म आती है कि इतने नालायक आदमी हो तुम, ये मिंबर से क्या बकते हो। लेकिन फिर वही एहसास होता है कि एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ से कोई मायूस नहीं होता। वो दरवाज़ा कौन है पता है? मरहूम है शेख जाफर शुस्तरी, बुज़ुर्ग उलमा में उनके लिए नकल किया, शायद यही शहीद दस्तगैबीन है, कि उन्होंने खुद अपना पूरी ज़िंदगी का हिसाब कर लिया और ख़ुद अपने को नंबर दिया कि बचना मुश्किल है। तो कहते हैं कि जब हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया कि अब क्या होगा, तब तक उम्मीद की किरण आई कि यार कुछ भी हो, गुनाहगार सही, मुहिब अली तो आएँ, तो मोमिन है, जब मोमिन है तो अपना सज़ा काट के वापस आ जाएंगे। इत्मीनान हुआ, फिर दिमाग में आया ये तो हम कहते हैं ना कि मुहिब अली हैं, अगर मौला ने नहीं माना तब क्या करेंगे। हमारे दावे की बुनियाद पे तो हम नहीं कह सकते ना कि हम अली वाले हैं, हम चिल्लाने में क्या जाता है। और अगर मौला ने कह दिया ना, हमारा चाहने वाला गासिब नहीं होता, हमारा चाहने वाला ये नहीं होता, अगर मौला ने अपना चाहने वाला होने से मना कर दिया तब क्या होगा। मरहूम फरमाते हैं हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया, तब तक फिर उम्मीद की किरण आई कि मगर एक जगह है जहाँ से बचने का इम्कान है। क्या का वो है बाबुल हुसैन, बाबुल हुसैन। कितने भी मुजरिम हों, कितने भी गुनाहगार हों, हम इमाम हुसैन को घेर के करबला तो नहीं ले गए हैं, इतने बड़े मुजरिम तो नहीं है। जब हुर माफ हो सकते हैं, खुदा मेरे माबूद, मेरे अल्लाह, मेरे रब, उसी हुसैन का वास्ता है खुदा, जब हुसैन माफ कर सकते हैं हुर को, तो तू तो हुसैन का भी रब है ना खुदा। बस दो जुमले, सब चले गए। मेरा मौला तनहा है, मेरा मौला अकेला है। कहते फन्नादारा यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। आए दरे खैमा पर ज़ैनब, खुदा हाफिज़। ए रुकैया और रुबाब, खुदा हाफिज़। रिवायत कहती है बीबी आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गई, नहीं जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब बीमार को देखे, बेवाओं को देखे, बच्चों को देखे, हजरत समझ गए अब ज़ैनब से इजाज़त आसान नहीं है। बाज़ बुज़ुर्गों का फरमाना है फ़ाशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बे उख्ते, इमाम ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। अजाने उस इशारे में क्या था, जुदा हुई। अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। सवार हुए, चंद कदम चले थे, अगरचे मुहक्किकीन का कहना यह है कि यह रिवायत ज़ईफ़ है,
लेकिन है किताबों में। चंद कदम चले थे, आवाज आई, महलन महला यबन जहरा, महलन महला यबन जहरा, ए जहरा के लाल धीरे धीरे, ए जहरा के दिल बंद आहिस्ता आहिस्ता। मुड़ के देखा जैनब चली आ रही थी। उतर गए, बहन तुम तो रुखसत कर चुकी थी ना, अब क्यों चल। भैया अम्मा ने कहा था जब मेरा लाल जाने लगे मैं न होंगी, मेरे लाल के गले का बोसा है। भैया बंद कबा खोलो, पढ़ना आसान है सुनना आसान है, कोई बीबी के दिल से पूछे कि जिस गले को चूमने जा रही हो अभी उसी गले पर कुंद खंजर फिराया जाएगा। बस तमाम आए मैदान में, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया जब आका से घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ लाए। फजलसा शिमरो आला सदरे, शिमर मलऊन जिसमें अतहर पे सवार हुआ। जानवर भी ज़बह किया जाता है ना, उसका अपना एक उसूल है, एक कायदा और कानून है। क्या? पानी पिला लिया जाता है एक, छुरी तेज होती है दो, गला सामने से काटा जाता है। लेकिन हाय मेरा मौला, अल मज़बूह बिल क़फ़ा, सामने से नहीं पसे गर्दन, कुंद खंजर सूखा गला। इंशाअल्लाह खुदा जितने इस मजलिस में हैं सबको हजरत के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। जाइएगा आपको बताया जाएगा, यही वो टीला है, यही वो बुलंदी है जहां से बहन अपने भाई की जंग का मंजर देख रही थी। कि रिवायत कहती है बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मर्तबा तड़प के फरमाया, इब्न सादे अयुक्तलो अबू अब्दुल्ला व अंत तंजरो इले, सौद के बच्चे मेरा भैया ज़बह हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। ये वो चीज़ें हैं, एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं और तमाम, ये तो वो चीज़ें हैं जिसको तारीख ने देखा और लिख दिया। करबला की हर चीज़ तारीख नहीं देख पाई, और जब हर चीज़ नहीं देख पाई तो हर चीज़ लिख भी नहीं सकती। का तो का कुछ करबला की बातें तारीख से नहीं हदीसों से आई हैं। ये तो तारीख ने देख लिया जनाब ज़ैनब का, लिख दिया, लेकिन एक और है यहाँ शहादत का मंजर जो तारीख नहीं देख पाई। मगर रिवायत कहती है कि जब गला जुदा नहीं हो रहा था, आवाज़ आई, अली हुसैन की मदद करो, या रसूल अल्लाह कातिल से तलवार लेके फेंक दूँ। फरमाया नहीं, माँ की रूह बेटे से लिपटी हुई है, फातिमा को हुसैन से अलग कर दो। अली आगे बढ़े, रूह फातिमा को हुसैन से जुदा किया। खुद कातिल शिमर कहता है जिस वक्त सरो तन में जुदाई कर रहा था, मेरे कानों में किसी बीबी की आवाज आ रही थी, वलदी वलदी कतलू कतशाना, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन, तुझे प्यासा मारा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، हमारे साहिब، हमारे सैयद और सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, आका के ग़ुलामों में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम फसाहत हुसैन इब्ने सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन मरहूम इब्ने मोहम्मद हसन मरहूम, खातून मरहूमा बिनते मज़हरुल मज़हर अली मरहूम की रूहों को ईसाल फरमा दे। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين